तो फ्रेंड्स, गलती किससे नहीं होती है? अगर मुझसे ही गलती हो गई ठीक है, तो गलती किससे नहीं होती? लेकिन गलती भी ऐसी गलती जिसमें मैंने एक प्रोफेसर को ही चैलेंज कर दिया, एक टीचर को चैलेंज कर दिया। खैर, मैं हूं आपका नवेश कुमार, जिसको प्यार से मुझे स्टूडेंट्स नवेश सर कहते हैं। और मैंने क्या गलती की, कौन से समय में, जब मैं स्कूल नहीं बल्कि कॉलेज में इंटर किया था। वाह, क्या दिन थे कॉलेज के। आज तो आप लोग को कॉलेज ज्यादातर स्टूडेंट्स देखते ही नहीं है, खास करके जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं। 10 के बाद तो फिर क्लास भी जाना लगभग छोड़ दिए, स्कूल से वो कोचिंग पर डिपेंड कर जाते हैं। तो खैर, आप पढ़ाई तो कर लेते हो, लेकिन वो जो कॉलेज जाने का जो एक एक जो जो फीलिंग्स आता है, वो फीलिंग आपको नहीं हो पाता है। जो कॉलेज जाते हैं उनको तो मैं बताता हूँ वो घटना जो मेरे साथ घटा था। कब घटा था? जब मैं प्लस टू करने के बाद फिर मैं कॉलेज में गया था, पहली बार कॉलेज में गया। वाह, क्या कॉलेज के दिन थे। और खास करके मैं, जिसका कि एजुकेशन जो है, स्कूलिंग जो हुआ कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में मैंने क्लास 2 से क्लास 12 तक किया। वहां से पढ़ने के बाद फिर मैं यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, इंग्लिश ऑनर्स लिया। यार, इंग्लिश ऑनर्स लिया, अब उस समय की बात है, आज की बात नहीं। आज का इंग्लिश का, आज जब इंग्लिश आप लेते हो ऑनर्स में, तो वो स्टेटस नहीं मिलता है जो उस जमाने में होता था। मुझे याद है जिस कॉलेज में मैंने इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया था, टोटल 32 स्टूडेंट्स थे, और उस 32 स्टूडेंट्स का हेकरी ही क्या था यार। साइंस के भी बच्चे तिरछी निगाह से देखते हुए जाते थे, कॉमर्स के बच्चे भी तिरछी निगाह से, क्योंकि उस समय इंग्लिश एक बहुत बड़ी बात थी। अगर कोई इंग्लिश एक दो सेंटेंस अगर बोल देता था, तो उसके सामने इर्द गिर्द कोई नजर नहीं आते थे, सब डरते थे, सब उसको हाई स्टेटस से समझते थे। तो मैं जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था, और ऑनर्स में जो मेरा बैच था, उस क्लास में मात्र 33 स्टूडेंट्स थे, और 33 स्टूडेंट्स में मैं अकेला एक था जिसको कि अंधों में काना राजा कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि और जितने भी स्टूडेंट्स थे वो बिहार बोर्ड से पढ़ कर आए हुए थे, इंग्लिश ऑनर्स लिए हुए। मैं एक अकेला था जो सीबीएसई बोर्ड से आया हुआ था, इसलिए मैं अकेला एक आदमी था, उस स्टूडेंट था उस बैच में, जिसको कि इंग्लिश दो चार सेंटेंस बोलने आता था। अब जब दो चार सेंटेंस बोल लेते थे क्लास में, तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो जो कम्प्लीटली बिहार बोर्ड से आया था, वो तो यार मेरे को हाई स्टेटस दे दिए। और मेरा स्टेटस और भी बढ़ा हुआ था। क्यों भाई? उस क्लास में दो तीन लड़कियां थी, तो बट नेचुरल आपको पता है कि जब 20-30 बच्चे हो उसमें दो तीन लड़कियां केवल है, तो जो स्टूडेंट थोड़ा इंटेलिजेंट होता है उसका थोड़ा स्टेटस हाई होता है। तो मेरी भी वही स्थिति थी। एक दिन की घटना है, उस घटना में क्या हो गया, मैंने प्रोफेसर को चैलेंज दे दिया। कैसे चैलेंज दे दिया वो भी सुनिए। हुआ ये था कि उस दिन एक जो क्लास था, एक पीरियड था, उसमें जो प्रोफेसर वो आए ही नहीं, ही वॉज एबसेंट। जब एबसेंट थे तो हुआ कि भाई, नया नया सब कॉलेज में गया पढ़ने की ललक भाई, कि भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हुआ कि भाई चलो जो स्टाफ रूम है प्रोफेसर्स का उसमें चलते हैं, और उसमें चल करके किसी प्रोफेसर को रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन समस्या थी कि आखिरकार वह स्टाफ रूम के अंदर, गेट के अंदर क्रॉस कौन करे, क्योंकि आज वाली बात नहीं है, पहले स्टूडेंट्स काफ़ी डरते थे प्रोफेसर्स वगैरह से। तो मैं और भी स्टूडेंट्स जो भी साथी थे उसके साथ गया स्टाफ रूम के गेट तक, लेकिन स्टाफ रूम के गेट के अंदर कोई जाने को तैयार नहीं था। सब ने मुझे कह दिया कि भाई तुमको इंग्लिश आता है बोलने, तुम ही जाओ, तुम ही जाओ, तुम ही रिक्वेस्ट करो। मैं गया अंदर रिक्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि भाई स्टेटस हाई हो गया तो स्वाभाविक है। मैं गेट के पास गया, और गेट के पास मैंने जाके कहा, मे आई कम इन सर? जैसे मैंने कहा मे आई कम इन सर, जो चार पांच प्रोफेसर बैठे हुए थे उन्होंने मेरे तरफ देखा, उसमें से एक ने कहा यस प्लीज। मैं अंदर गया, अंदर गया तो चार पांच प्रोफेसर में से एक जो प्रोफेसर थे लाजवाब पढ़ाते थे इंग्लिश। जब वो इंग्लिश बोलते थे तो ऐसे लगता था समुद्र का जो लहर है, तरंग चलता रहा है। तो मेरी इच्छा हुई उन्हीं से क्लास लेने का, तो मैंने क्या किया, उनके पास गया। जो मेरे साथी सब थे गेट से मुझे देख रहे थे, मैं गया प्रोफेसर के पास अंदर। जो प्रोफेसर के सामने मैं खड़ा हो गया, जिससे कि मेरी पढ़ने की मुझे इच्छा थी, उनके सामने मैं खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा यस, मैंने उनके तरफ देख के कहा सर यस यस गो ऑन सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैं अंदर से घबरा भी गया था भाई, प्रोफेसर समझे भाई, अब नया नया बच्चा कॉलेज में आया, आप समझ सकते हो। मैंने कहा सर यस, डोंट हेजिटेट, यस यस गो ऑन गो ऑन। मैंने कहा सर यस यस गो ऑन सर, कैन यू टेक आवर क्लास? व्हाट डिड यू से? कैन आई टेक योर क्लास? आर यू चैलेंजिंग मी? जो बच्चे आए थे मेरे साथ साथ गेट पर वो तो भागे। अब समझ सकते हो मेरा जो स्थिति था, प्रतिष्ठा कहाँ से कहाँ चली गई। अब मैं सोचा कि यार मुझसे गलती क्या हुई यार, मैंने तो रिक्वेस्ट किया इससे, लेकिन ये जो प्रोफेसर साहब इनको गुस्सा आ गया, कहते हैं यू आर चैलेंजिंग मी, तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो। मैंने कहा नो सर नो सर नो सर,
तुम बोल रहे कैन यू टेक आवर क्लास सर, पता है तुमने क्या किया? मैंने कहा क्या किया सर, मैंने क्या किया? क्या किया? तुमने मुझे चैलेंज दिया। कैसे सर? कैन यू टेक आवर क्लास सर का मीनिंग पता है तुमको? नहीं सर, मैं तो बस कहूँ कि क्या आप मेरा क्लास ले सकते हैं, ये कहे तो ठीक हो, लेकिन क्या किए हो, चैलेंज दिए हो। तुमने कहा कैन यू टेक आवर क्लास सर, कैन मॉडल्स है और कैन मॉडल्स जो है वो प्रेजेंट एबिलिटी को शो करता है, तुम मेरा एबिलिटी टेस्ट करना चाह रहे हो? नहीं सर, नहीं सर। तब फिर समझ जाओ आज के बाद से, कैन यू टेक आवर क्लास सर, कैन से किसी को रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, खास करके फॉर्मल में। कैन ये एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए है। तो ये घटना जो है मुझे पता कर दिया कि आखिरकार मॉडल्स जो है वो कितना भयानक चीज़ है। मॉडल्स काफ़ी भयानक चीज़ है, क्योंकि मॉडल्स में हल्का सा सेंस जो है, हल्का का मूड से इधर से उधर हो जाता है बात को। तो कभी कभी होता है कि जो बातों के नहीं जानकारी होने के कारण, रूल्स के नहीं जानने के कारण हम ऐसी घटनाएं घटा देते हैं जो वास्तव में कुछ तो हंस देते हैं और हमें अपने आप पर रोना आता है। तो वही है घटना, जो घटना वास्तव में चैलेंजिंग घटना था। ओके, थैंक यू एवरीवन। इस तरह की घटना अक्सर लगभग सभी के साथ होते ही रहता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। थैंक यू एवरीवन।